मध्य प्रदेश के सागर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपावली के त्योहार से पहले एक परिवार में उस वक्त मातम पसर गया जब सिविल लाइन थाना पुलिस ने थाना इलाके के बन्नाद आम घाट के पास से कोचिंग संचालक सिविल लाइन निवासी संजय मिश्रा की बॉडी बरामद की। साथ ही पुलिस ने मृतक की कार भी मौके से बरामद की है। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड ए टू जेड ग्राफिक्स, तो अब शहर से दूर क्यों जाना। पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल गुरुवार को सागर के सिविल लाइन थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत बन्नाद के पास आम घाट के समीप एक शख्स मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही तत्काल सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह बॉडी सिविल लाइन निवासी संजय मिश्रा, उम्र करीब 45 साल की है, जो गोपालगंज इलाके में संजीवनी नाम से कोचिंग संचालित करते थे। बताया यह भी जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से वह काफी परेशान चल रहे थे, जिसके चलते कुछ समय पहले वह अचानक घर से गायब हो गए। इसके बाद पुलिस ने उनकी बॉडी सिविल लाइन थाना इलाके के बन्नाद के पास आम घाट से बरामद की है। साथ ही पुलिस ने मृतक की कार को भी मौके से बरामद किया है। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद अब मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है कि आखिर इस कोचिंग संचालक इस जगह पर कैसे पहुंचा या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। सागर से राहुल सिंह ठाकुर के साथ आदर्श दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड ए टू जेड ग्राफिक्स, तो अब शहर से दूर क्यों जाना। पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश।